नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र ई किरे में। दोस्तों ऐसा करता हूँ, आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या ज्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को करने मात्र से गुरु की कृपा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु खुश होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अपने आप बरसने लग जाती है। और जिसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है दोस्तों, वो आदमी कभी निर्धन नहीं हो सकता, उसके पास धन की कोई कमी नहीं हो सकती। वो हमेशा, वो लोग जो विष्णु के भक्त हैं या देवगुरु बृहस्पति के भक्त हैं, वो धनवान ही होंगे, क्योंकि वो बुद्धि से तेज होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अपने आप में बहुत पावरफुल माना जाता है। देखने में, करने में आपको बहुत ही सरल उपाय लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको करोड़पति बना के रख देगा। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर चैनल की मुलाकात आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। किसी और का भला होगा तो आपको उसका पुण्य फल 100% प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन या तो आप सुबह के समय ये क्रिया कर लें या शाम के समय। शाम के समय करेंगे तो ये ज्यादा पावरफुल सिद्ध होगा। दोस्तों आपको एक केले का पत्ता ले आना है, बहुत बड़ा पत्ता नहीं लेना है, आपको छोटा सा पत्ता काट के ही ले आए, 4 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा, इतना पत्ता होगा इनफ। उस पत्ते को आप घर पे ले आए, स्वच्छ पानी से धोए और आप एक पीला कपड़ा ले लें, रूमाल की साइज का या उससे भी छोटा, पीले कपड़े पे उस पत्ते को रखें और उस पत्ते के ऊपर आपको हल्दी पाउडर 3 चुटकी हल्दी रख देना है। केले के पत्ते पे 3 चुटकी हल्दी। हल्दी रखने के बाद आपको 11 बार ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। कितनी बार? 11 बार ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 11 बार बोलने के बाद आप केले के पत्ते को चारों तरफ से फोल्ड करें, हल्दी पाउडर उसके अंदर रहना चाहिए और उस पीले कपड़े में आपको गांठ मार के उसकी पोटली बना लेनी है। केले का पत्ता बाहर दिखना नहीं चाहिए, उसको अंदर ही रखना है पीले कपड़े के। पीला रंग गुरु का बहुत प्रिय रंग माना गया है और 3 का अंक गुरु का अंक है। तो आपको इसकी पोटली बना लेनी है और इसको लेके आप, अगर आपके आसपास कहीं स्वच्छ बहता हुआ पानी है तो आप उसमें इसको प्रवाहित कर दें, अगर नहीं है, दूर है आपसे, तो फिर आप इसकी पोटली बांध के अपने घर में रख दें कहीं भी। जब आपको समय मिले, अवसर मिले, तब आप इसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। पानी स्वच्छ होना चाहिए दोस्तों, गटर का या गंदा पानी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि गुरु की कृपा से
आपके पास धन का ढेर लग जाएगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। आप सोचेंगे और आपको कहीं से भी पैसे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।